आप तब भाई आप मेमोरेंडम देने के लिए गए थे, क्या क्या बात हुई वहाँ पर, कुछ ऐसा हुआ क्या? हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा संविधान बचाओ देश बचाओ 1200 अनुमंडल मोर्चा की तरफ से जो हम लोग आज एक रैली रखे थे, हम सभी का जो मांग है जो NRC NPR और CAA ये खास करके गरीब तबके चाहे हिंदू या मुसलमान हो ये सभी इससे प्रभावित होंगे, इस कानून को वापस ले, इसी के लिए हम लोग ने आज एक रैली रखा था, मौन जुलूस था PWD मैदान 1200 में। फिर वहां से हम लोग पैदल मार्च करते हुए शांतिपूर्वक अनुमंडल मुख्यालय में आए और फिर वहां पर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा हम लोगों ने राष्ट्रपति के पास उसका मांग को भेजे ताकि हम गरीबों के हित में ये फैसला वापस ले। अगर इस फैसला को वापस नहीं लेता है, खास करके लगभग 40% आदमी हिंदुस्तान में भूमिहीन है, ये सारे लोग कहाँ से कागज लाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे, एक आई कार्ड बनाने में 70 साल लग गया, आज तक आई कार्ड सुधरा नहीं, तो क्या हमारा दादा परदादा का जमीन का कागज मिलेगा? और जबकि हमारा ये एरिया सैलाब का एरिया है, अब 2 साल 1 साल के बाद सैलाब आती है, सब भाग के लेके जाती है। हम लोग चाहते हैं कि हम शांतिपूर्वक जो प्रोग्राम किए इस प्रोग्राम के वजह से और इस प्रोग्राम को कुछ महत्व देते हुए ये NRC CA और NRP को वापस ले। ठीक है।